YouTube चैनल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको रचनाकार श्री नरोत्तम दास जी की कविता, जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान के सखा ब्राह्मण सुदामा जी का सिर से पैर तक का बहुत सुंदर वर्णन किया है। शीश पगाना झगा तन पे, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी और लटी डुपटी, नहीं पाए उपाना की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वाह क्या बात है, इस कविता के रचनाकार श्री नरोत्तम दास जी ने बहुत खूबसूरती से सुदामा ब्राह्मण का सिर से पैर तक उनके पहनावे का वर्णन किया है। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाते थे। ब्राह्मण सुदामा कृष्ण जी के परम मित्र थे। सुदामा जी अपनी पत्नी से कृष्ण जी के विषय पर बात करते रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप क्यों नहीं अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, वो आपके परम मित्र हैं, वो अवश्य आपकी व्यथा को सुनकर आपके लिए कुछ करेंगे। परंतु ब्राह्मण सुदामा स्वाभिमानी थे और उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा इस प्रकार उनसे मिलना। परंतु पत्नी बहुत समझाती है और थोड़े से चावल एक छोटी सी पोटली बनाकर देती है कि ये आप अपने मित्र को भेंट स्वरूप दे दीजिएगा और उनसे मिलने जाइए। ब्राह्मण सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने पहुंच जाते हैं द्वारिकापुरी। जब वहां के लोग सुदामा ब्राह्मण को फटे हाल में देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, उनके पैर छूते हैं, कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है। कृष्ण कहाँ रहते हैं, वो चारों तरफ आश्चर्य से देख रहे थे और अपना नाम सुदामा बताते हैं। द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहते हैं, शीश पगाना झगा तन पे, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। हे प्रभु, एक ब्राह्मण बाहर खड़ा है और उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना उसके तन पर कोई कपड़ा है, ना जाने वो किस ग्राम से आया है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं पता है। धोती फटी और लटी डुपटी, नहीं पाए उपाना की नहीं सामा। उसकी धोती फटी है, फटी नहीं, अगर छुए जाए तो फट जाएगी, लेकिन वो दुपट्टे की तरह लिपटी हुई है, सिकुड़ी हुई है और उसके पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं है। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाया भी रामा। द्वार पर एक कमजोर दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और वो चारों तरफ चकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु, वो आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। कृष्ण जी सुनते हैं और दूत से कहते हैं कि हम उसके गुरुकुल के मित्र हैं। इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर कविता सुदामा के स्वरूप का वर्णन किया है, जो कृष्ण जी के परम मित्र थे। अगर ये छोटी सी लघु कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।